बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी नए आने वाले दोस्त, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके, शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था, आज का हमारा टॉपिक है सुजुकी GS150 के ब्रेक पैडल को। आज हम आपको नया ब्रेक पैडल डालने का तरीका बताएँगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये काम ज़रा आते कभी कभी हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दिखाऊं। इनका ये ब्रेक पैडल जो है वो टूट चुका हुआ है। तो इसकी जगह जो है ये अब हम नया ब्रेक पैडल डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये पैडल के एक्सल के लिए जो ना, सबसे पहले तो आप इसके ये पिन होती है इसके जो ब्रेक, तो ये पिन मैंने अब इसकी निकाल ली है इसके नीचे से। ये पिन मैंने इसके देख रहे हैं दोस्तों, इस पेज ये नट के आगे पिन लगी हुई थी, इसके जो ब्रेक पैडल को जो पेज लगा हुआ ना, ये उसके आगे से मैंने पिन निकाल ली। उसके बाद अब मैं इसका जो है ये एक्सल खोल लूँगा। 14 नंबर की टी इसके एक्सल के आगे लगती है। ये आप इसके इस ब्रेक रॉड को भी खोल लें, पैडल जो है वो ईजीली बाहर आ जाता है, बस ठीक है। इसको खोलने के बाद आप एक प्लास की मदद से इस बोल्ट को बाहर निकाल लें, इसका जो ये ब्रेक पैडल को, जिससे ये ब्रेक पैडल जो है बाहर आ जाएगा। इसका जो है मुझे स्प्रिंग भी उतारना पड़ना है। और दोस्तों, तो जी दोस्तों, इस ब्रेक पैडल को जो है मैंने बाहर निकाल लिया हुआ है, जो इनका पुराने वाला ब्रेक पैडल है। इसके बीच में एक ये गोट होती है, ये गोट आपकी जो है ये लगेगी इसको दोबारा। इसके जो मैं नया ब्रेक पैडल फिट करता हूँ, ये गोट इसके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप इसका ये लॉक खोल लें। ये लॉक खोलने से ये होता है कि इसका ब्रेक रॉड जो है वो बाहर आ जाएगा। ये बेसिक छोटी छोटी वीडियो मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि ये काम जो है ना लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं, जो हमारे जो दूसरे शहरों में मैकेनिक हज़रात होते हैं, तो इसी वजह से जो है ना मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, ये पिन मैंने इसकी निकाल ली है। ये पिन आपकी आएगी, पिन के आगे ये वाशर आने के बाद आपका ये लॉक आएगा। इसकी फिटिंग आपने इस तरीके से करनी, जो मैंने आपको पहले ये बोल्ट की एक पिन दिखाई थी, ये पिन इस जगह पर लगी हुई थी, ये ब्रेक पैडल के आगे ये बोल्ट आता है ना यहाँ पर, जब हम कसेंगे इसको यहाँ पर इसके बीच में रख के, तो इसके पीछे पिन होती है, जो पिन मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि जो बाहर निकालनी है आपने। अब हम इसको फिट करते हैं लॉक। तो जी ये बुश मैंने जो है इसके पुराने पैडल का निकाल के नए पैडल में मैं ये बुश लगा रहा हूँ। तो ये बुश किसी टाइम पे अगर टाइट अगर लगे तो आप इसको जो है ये इस तरीके से भी टाइट कर सकते हैं। चोट लगाने से बेहतर होता है कि आप इसको इस तरीके से टाइट करें। जी दोस्तों, ये रॉड, तो जी ये रॉड के ऊपर अब निशान, जैसे ये पिन का निशान है इस साइड पर और ये वाशर का निशान है, तो आप रॉड को ऐसे ही फिट कर लें। आप ये वाशर लगाने के बाद इसका ये लॉक लगा दें, बस ठीक है। इसको जब मैंने राड लगा दिया हुआ है, तो अब आपने इसको इस नीचे से बड़े ही प्यार से इसको लेके जाना है और इसको फिटिंग इसकी कर देनी है। तो इसका एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, आप इसके राड को ऊपर ले आएँ और इस ब्रेक पैडल को आप ऊपर लाने के बाद इसको ये देख लें, बहुत ही आसानी से ये आ गया है यहाँ पर। और इसके बाद आप इसके इस बोल्ट को लगा दें जो हमने यहाँ से खोला था, इसको टाइट कर लें। तो जी उसके बाद आप 14 नंबर की टी से इसके इस पेज को आप अच्छी तरह टाइट कर लें। स्प्रिंग होता है यहाँ पर, ये आप अगर देखेंगे ना, तो ये स्प्रिंग इसका है, तो इसको लगाने का एक बहुत ही आसान, तो बहुत ही आसान तरीका है इसके स्प्रिंग को बैठाने का भी। क्लच की आप कोई पुरानी तार ले लें और उसके बाद आप इसको प्लास की मदद से इस तार को खींच लें। ये देखें ज़रा, ये इस तरीके से आपका ये स्प्रिंग लग जाएगा। तो जी दोस्तों, इस पैडल को जो है हमने फिट कर दिया, तो इसका ना लेवल जो है वो बराबर नहीं आ रहा था, तो इसकी जो है ये सेटिंग होती है, ये 12 नंबर का इसका एक पेच लगा होता है, तो ये पेच को अब हम खोल के इसकी जो है ना सेटिंग कर देंगे यहाँ से, तो लेवल जो है इनका पैडल लेवल इसका बराबर आ जाएगा इस ब्रेक पैडल का।
ये देखें आप, ये पेज इसका खोलें और उसके बाद आप इस, तो जी दोस्तों अब इस एडजस्टर को जो है मैंने जो है बंद कर दिया है। तो अब इसका ब्रेक पैडल जो है इसके फुटर्स के लेवल पे अब आ गया, कि पाँव के बिल्कुल लेवल पे पैडल आ गया। तो इन चीज़ों को आप लाजमी चेक किया करें और उसके बाद आप इसके पीछे वाले नट को भी लगा दें। इसके बाद जो है ना, आप इस पैडल का जो हमने लॉक खोला था वो लॉक भी आपने लाजमी लगाना है। तो जी दोस्तों ये पिन अब हम जो है वो दोबारा से लगा देंगे इसको। इतनी डीपली सर वीडियो दिखाने का आपको ये फ़ायदा होता है कि मकसद होता है कि आप हर चीज़ को समझ सकें। अब मेरा कैमरा जो है वहाँ तक नहीं जा सकता, ये देखो मैंने पिन को लगा दिया हुआ है। जी दोस्तों आज जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि सुजुकी GS 150 का ब्रेक पैडल कैसे चेंज करते हैं, तो छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा। और अगर आप भी अपनी सुजुकी GS 150, GD 110, सुजुकी से रिलेटेड कोई भी बाइक है, आप उसका कोई काम करवाना चाहते हैं, तो मेरी शॉप टाउनशिप अकबर चौक लाहौर में वाकिया है। तो स्क्रीन पर मेरा ये नंबर चल रहा है, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके आएँ, टाइम पहले ले लें आप। तो भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।